न्यूज 22 के दर्शकों का स्वागत है। कस्बा कलानौर के गगन इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट के खिलाफ एनुअल फीस वसूलन के विरोध में विद्यार्थियों के सैकड़े मापियां वालों चार घंटे स्कूल के विहड़े में जम के नारेबाजी की गई। विद्यार्थियों के मापियां ने स्कूल मैनेजमेंट को चेतावनी दी है कि जेकर उन्होंने फीसा माफ़ ना की गई तो सोमवार तो कलानौर मार्ग से चक्का जाम किया जाएगा। इस मौके पर पत्रकार गलबात करद हो विद्यार्थियों के मापियां ने दसिया कि करोना की महामारी दौरान जिथे मार्च महीने तो स्कूल बंद हैं पर इस दे बावजूद भी गगन इंटरनेशनल स्कूल कलानौर के प्रबंधकों वालों ट्यूशन फीस 70% वसूली जा रही है। जानता है कि जिवें तुहानू पता है कि अजकल मतलब जिहड़ी फीस का चल रहा काम है तुहानू सारे नूं दस्सिया गया है कि आपां तुहाडे बच्चे की फीस जिहड़ी है वो ट्यूशन फीस 70% लवेंगे 70% और नाल जिहड़ा तुहाडा एनुअल चार्ज है वह भी तुहाडा 70% 100% के बजाय 70% किया जाएगा। दोनों दे अपना जेड़ा भी है वो तुसी देख लो ठीक है जी। फिर मैं मैडम कॉल की फिर मैं रजनी मैडम ही निकल गई फिर मैंने चौथे दिन मैडम का फोन आया मैं जो मैं प्रिंसीपल के सामने मैं पेश होना ताकि टीचर नू इन्ना टाइम नहीं हैगा एक मदर नू इन्ना टाइम हैगा भी ताकि टीचर एक मिनट गल दे चलो पहले मैंने गल कर दो मैंने दसो ताकि टीचर की जिम्मेवारी जी मदर कि पे कर रही है 80% कर रही है कि 90% कर रही है कि 70% कर रही है। सिर्फ अपने बच्चे लिए फोन करना है एक बच्चे लिए करना ना मेरे को मैं ही हाँ टीचर है मेरे को एक बार बच्चे का फोन नहीं अटेंड कर सकते वो 40 बच्चे हैं मेरे को जो 40 च एक बच्चे का फोन है केस नहीं अटेंड किया गया चलो नहीं हो गया नहीं पता चलिया 39 बच्चों के अटेंड किए उन्होंने चलो छोड़ो एक नहीं किया दोबारा कॉल तो कर सकते हो ना गगन इंटरनेशनल स्कूल च जिथे पेरेंट्स तो बच्चों दीसा के नाल एनुअल चार्ज भी मंग रहे ने जिहड़ी चीज़ का एनुअल चार्ज मंगते ने वो जंगल का रूप धार कर चुकी है। ग्राउंड का हाल वेखो इत्थे सैकड़िया के हिसाब न सप्प ने कीड़े मकौड़े ने ये साडे कोलों सपोर्ट्स मंग रहे ने इस स्कूल का सानू तो कोई डिसिप्लिन का पता नहीं लगा ये स्कूल कर की रहा साडे बच्चों बच्चे साढ़े इतने आ खेडते ने कादा साडे कोलों ये चार्ज मंग रहे ने
साड़ी पूर पूर जोर अपील आ कि साढ़े कोलों एनुअल चार्ज ना लिया जाए। सारे पेरेंट्स की यही बेनती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।